नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बर्ड सिटी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि जिस कारखाने से हमारी क्रिकेट बॉल मैन्युफैक्चर होती है, इस वीडियो में हम उस कारखाने में गए थे और उस कारखाने के मालिक, जिन्हें हम प्रधान जी के नाम से जानते हैं क्योंकि वो उस गाँव के प्रधान भी रह चुके हैं, उनके हमने सब जानकारी ली। उनका हमसे बातचीत भी की कुछ टाइम तक और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बातें बताई, काफ़ी ज़्यादा एजुकेट भी किया हमें। सो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। तो नमस्कार जी, ये हमारे प्रधान जी हैं साथ में। सारा जो गेंदों का काम है, कारोबार है, यही संभालते हैं प्रधान जी। आपका नाम क्या पहले? मेरा नाम अनिल प्रधान। ठीक है अनिल। अनिल जी जो है काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। आप कितने सालों से गेंदों के कारोबार? साल हो गए। इससे पहले मैंने 4-5 साल करा था, वो बंद कर दिया बीच में, फिर अब मैंने शुरू करा। काफ़ी दिन हो गए, 3 साल 4th साल लग रही है अभी। केवल एस्ट्रो का काम है क्रिकेट बॉल पे। तो क्रिकेट बॉल में आप पिंक बॉल, रेड बॉल और वाइट बॉल, सारी वाइट भी, पिंक भी, रेड भी, जौन सी भी पार्टी ऑर्डर करेगी वही बॉल मिलती है। और आपका ये काम जो है कहाँ कहाँ आप देशों में भी अलग अलग भेजते हैं? कश्मीर भी, श्रीनगर भी, पूना भी है, नखलेऊ भी है, बांग्लादेश भी है। तो ऑल ओवर इंडिया भी है? अच्छा, मेरिट लोकल भी है। अच्छा। और ये आपका जो है काम जो है, इसमें कारीगरों का कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि कारीगर अच्छा हो? कारीगरों का काम है, जैसा कारीगर है वैसी उसकी तनख्वाह है, वैसी उसका हिसाब है। तो प्रधान जी, 2-पीस बॉल ज़्यादा बिकते हैं आपके पास या 4-पीस? 4-पीस ज़्यादा बिकते हैं, 2-पीस का तो कम ऑर्डर लेते हैं। और 4-पीस ही ज़्यादा चलते हैं? 2-पीस तो बस बच्चों को खेलने के लिए। जी 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 जी, 4-पीस की ज़्यादा चलती है। और इसमें कहते हैं कि बॉल की भी अलग क्वालिटी होती है, कोई 20 बॉल चलती है, कोई 40 ओवर चलती है। 40 की भी है, 30 की भी है, 50 की भी है, 70 की भी है, जैसे पार्टी डिमांड करती है वैसे ही बॉल बना कर। इसमें कारीगरी का फ़र्क होता है मटेरियल का? मटेरियल का। तो 20 में कैसा मटेरियल रहता है, 40 में? सेकंड की रहती है, 20 ओवर की उसकी रहेगा वो प्लास्टिक वाली। ठीक है, तो एक लेदर का फ़र्क हो जाता है, लेदर का। और कारीगरी में भी कुछ फ़र्क होता है? हाँ, उसमें उसी के हिसाब से काम करा जाए, जैसे जैसे बॉल की डिमांड है उसी के हिसाब से काम करा जाएगा। अगर फर्स्ट वाला बढ़िया बॉल है तो बढ़िया तरीके का लेदर लगेगा, बढ़िया तरीके का मटेरियल लगेगा और कारीगरी भी बढ़िया लगेगी। हर चीज़ का अलग अलग हिसाब है। और ये कच्चे लेदर, कुछ कहते हैं कि कच्चा लेदर हम इस्तेमाल करते हैं या पक्का लेदर इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या फ़र्क रहता है? कच्चा लेदर भी लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, उसमें थोड़ा सा बस खेलने का 2-4 ओवर फालतू खेल जाए, 10-5 ओवर, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा है। ये पक्का लेदर वहाँ से आता, कंपनी से बनकर आता। तो जो आपका जो लोकल कारोबार चलता है वो कच्चे लेदर के साथ चलते हैं या पक्के? नहीं, हमारा तो ज़्यादा पक्के का है। कच्चे का कोई डिमांड करता था उसे बनवा देते हैं, हमने पिछली बार बनवाया था, अभी जिसकी जैसे डिमांड है वैसे ही उसे माल देते हैं। और ये रहता है कि आप जैसे कारोबार कर रहे हैं जी जी, तो इसमें रहता है कि भरोसे का थोड़ा रहता है कि मेरठ है, यहाँ पे लूटने वाले लोग ज़्यादा हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हर जगह की हवा, ऐसा कश्मीर में भी ऐसी हो रहा कि लोग ठगें, मेहमान ले लें, पैसे नहीं देते, लेकिन सब जगह ऐसे नहीं है। हर आदमी हर जगह ऐसे नहीं है। मेरठ का रिकॉर्ड इतना गंदा कहाँ है? कौन करा तुमसे मेरठ का इतना गंदा रिकॉर्ड? सही सही सही। मेरठ का तो ऐसा आदमी है नहीं, मीठा आदमी है बहुत। मेरठ को कोई ठग लेता होगा, पर मेरठ का किसी को नहीं ठगते होंगे। सही सही है जी, बिल्कुल। ऐसा तो गलत है। तो भाई, जैसे प्रधान जी ने कहा कि लोग हर तरीके के हर जगह होते हैं, बिल्कुल। बाकी आपका वैसे क्या, वैसे आप बॉलों में ही अभी डील करते हैं या फिर आगे आपने और भी कुछ सोचा कि अपना कारोबार का ये चीज़ ऐड करनी है या फिर यह चीज़ बढ़ानी है? नहीं, अब तो हमें इसी काम में जो रुचि है तो इसी काम को बढ़ाएंगे, अब इससे अलग हम कोई काम करेंगे। अच्छा, तो बस सर एकदम स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जी जी, उस पर ही महारत करनी है बस, इससे एक ही काम पर उस पर फॉलो करना होगा। और एक मेरा आखिरी क्वेश्चन, जैसे आपका माल जो है, जैसे अब गेंदे तो आपके यहाँ ही बनती हैं, ये तो हम देख रहे हैं, हम ये दिखा भी दिया, लेकिन अब इसका जो मटेरियल होता है अंदर का, वो कहाँ से बन के आता है? मेरठ से लेते हैं जी हम तो। अच्छा, आपको यहाँ लोकल का ही है कि यहाँ ही सब बनता है? हमारे हर आदमी लगे हुए हैं, चमड़े के अलहदा हैं, जो इसके अंदर कॉर्क पड़ रहा, कार्क पड़ रहा है, वो गोला वो अलहदा है, बंधे हुए लोग हैं सब अपने। तो पहले इस पर एक गोला होता है जिसे कॉर्क कहते हैं, ऊपर रस्सियाँ बनती हैं? नहीं नहीं, रस्सी वो वाला नहीं है, तख्ते का नहीं है, वो तख्ते का गोला है। अच्छा, या टेनिस का, जिसके ऊपर पहले रस्सी से सुतली से खींचा जाता है तो वो अंदर, अभी वो सारा रेडीमेड मामला। अच्छा, सब रेडीमेड है। तो इस पे कॉर्क, उसके ऊपर ही लेदर रहते हैं बस, और उसके ऊपर हाथ से सिलाई होती है बस,
इसके अंदर अस्तर लगता है, लेदर के ऊपर अस्तर लगता है, उसके ऊपर फिर गोला लग के इसकी सिलाई होगी और फिर पॉलिशिंग आपकी, फिर खेलने के लिए तैयार, फिनिश। चलिए शुक्रिया प्रधान जी, शुक्रिया। तो इसमें ऐसा भी रहता है कि बॉल को एक ही वजन का होना चाहिए? नहीं, वजन तो ऐसा तन मन से हो जाएगा, गोला लूज होगा तो तन मन से लगाना पड़ा तागा, जिससे लूज ना हो, लूज हो जाएगा तो गेंद डिंगा हो जाएगा जल्दी। अच्छा जी, हाँ। तो इसमें तो वजन 150-60 के बीच में रहता था, 55-60 तो एक्वायरमेंट की वजह से, जैसे कोई कम वजन का बनवावे गेंद, कोई 55 का, कोई 50 का, ऐसी बना दे तो अलग अलग वजन की भी गेंदें बन सकती हैं। हाँ, ये तो ये है काटा, इस पे तोल के इसी हिसाब से बनाते गेंद। अच्छा, और वैसे ये काम करते करते आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 5-6 साल हो गए, 5-6 साल लगभग, तो काफी ज्यादा हो गए। हाँ। तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, हाँ, नॉलेज है गेंद के बारे में, शुरू से किलो, तो आप पकड़ के बता सकते हो ये गेंद सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही सही, ये भी बता दूंगा कितने दिन चलेगी। ये भी बता दूंगा कितने दिन चलेंगे, चलो कितने ओवर खेल लेंगे, और नहीं बस नहीं, गेंद की क्वालिटी भी है, क्वालिटी में हर क्वालिटी का गेंद दिखा दूंगा तुम्हें, उसमें क्या क्या है गेंद में, क्या क्या अंतर है, तुम्हें अंतर नहीं पानेगा, पर हमें हम बता देंगे गेंद को देख के, बस इसमें यू कमी है। क्या बात है, चले शुक्रिया भैया। अरे आपने नाम तो सबको बताया नहीं। मेरा नाम बोवी सिंह है, अच्छा। प्रधान जी का छोटा भाई। अच्छा अच्छा, प्रधान जी के जो प्रधान जी आपसे इंट्रोडक्शन कर रहे थे, उनका छोटा भाई हूँ मैं, हम सारे भाई मिलकर यहीं काम करते हैं। अरे क्या बात है, चलो शुक्रिया भैया। क्या बात है, कितना मेहनत और कितने कारीगर और कितनी कारीगरी लगती है एक बॉल को बनाने में। अगली बार जब आप बॉलिंग करने जाएं और आपके हाथ में आपका कैप्टन जब आपको लेदर बॉल छमाएगा, तो आप ये सोचिएगा ज़रूर कि कितनी मेहनत लगती है उस बॉल के पीछे और आपको कितनी मेहनत करनी है आपको अपनी बॉलिंग के पीछे भी। थैंक यू वेरी मच।